हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जब आपके घर में ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल नहीं हो तो आप ये इजी राजस्थानी सेम टमाटर की सब्जी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी और कम समय में बनने वाली रेसिपी है, तो बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे शुरू करते हैं। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद जीरा और हींग पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें कटे हुए प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारे प्याज का कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। फिर से सब कुछ अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। और जब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप सेव ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक वाली सेव भी यूज कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपको सब्जी थोड़ी सी टाइट लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी भी ऐड कर सकते हैं। इस सब्जी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाने से इसमें सेव सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से राजस्थानी सेव टमाटर की सब्जी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।